संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक जबकि दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा आयोजित। सरकार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1 फरवरी को आम बजट करेगी पेश। केंद्र ने कोविड संक्रमण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की बैठक। कुछ जगहों पर रात्रि और सप्ताहांत कर्फ्यू को छोड़कर देश में निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों, दुकानें खोलने तथा औद्योगिक गतिविधियों पर नहीं है कोई प्रतिबंध। आयुष मंत्रालय ने पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का किया आयोजन, इसमें देश भर से लगभग 1 करोड़ लोग हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर आज सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा, हमें अपने पूर्व सैनिकों पर है गर्व जिन्होंने साहस और कर्तव्य के साथ निस्वार्थ भाव से की है देश की सेवा। पश्चिम बंगाल में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस रेलगाड़ी के जलपाईगुड़ी में पटरी से उतरने की घटना में अब तक 9 लोगों की मौत, 36 अन्य घायल। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने अन्य अधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासन के साथ पश्चिमी बंगाल में न्यू डोमाहानी रेलवे स्टेशन का किया दौरा। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5,753 मामले आए हैं सामने। ओमिक्रॉन के इन मामलों में 4.83% की हुई है वृद्धि। देश में एक दिन में आए कोरोना के 2,64,000 से अधिक नए मामले। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 12,72,000 से अधिक। मध्य प्रदेश में सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक किया गया बंद। 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन होंगे आयोजित। सभी तरह के मेले, रैलियों और जुलूसों पर लगाई रोक। आर्थिक गतिविधियां रहेंगी जारी। फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को दी मंजूरी। करीब 374 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को स्वीकृति। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए चेतावनी की जारी। कहा, भारत में एक बार फिर बिगड़ सकते हैं हालात। ऑस्ट्रेलिया ने टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का वीजा किया रद्द। कोरोना टीकाकरण नियमों में जरूरी मानदंडों पर खरे नहीं उतरने के कारण रद्द हुआ वीजा।